डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। सहारनपुर के नवोत्तर में हुए क्षत्रिय महाकुंभ में उगते मुखर भाजपा की नींद उड़ानी है। नींद उड़ने का भी कारण है ठाकुर 24 द्वारा भाजपा का खुलकर विरोध करना। अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए ठाकुरों द्वारा 16 अप्रैल को सरदना विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ा में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत की जा रही है। इसी क्रम में 11 अप्रैल को मेरठ के सिसौली जबकि 13 अप्रैल को गाजियाबाद के धौलाना में भी यह महापंचायत होगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीटों पर ठाकुरों के इन बागी सुरों की आवाज भाजपा नेतृत्व तक भी पहुंच गई है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा एक एक सीट पाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए 10 अप्रैल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा सरधना विधानसभा क्षेत्र में रखी गई है। इस सभा के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ठाकुरों की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पश्चिमी यूपी के क्षत्रिय समुदाय ने एकाएक ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह 15 मार्च से पश्चिमी यूपी के गांव गांव जाकर ठाकुर समुदाय को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की मुहिम में लगे हुए हैं। ननौता में हुए महाकुंभ में भाजपा के विरोध की घोषणा के साथ ही स्पष्ट कहा गया कि जो भी भाजपा को हराएगा क्षत्रिय समाज उसी को वोट करेगा। यहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए चौपाई भी बार बार दोहराई गई। पहले दिखाते हैं आपको ननौता में महाकुंभ में क्या हुआ, देखिए। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा, नहीं देंगे। माता कुल देवी शाकुंभरी देवी, माता कुल देवी धरी माता, भगवान श्री राम आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे। अब बात करते हैं भाजपा से क्षत्रिय समुदाय की नाराजगी की। क्षत्रिय नेताओं का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में केवल 8 ठाकुरों को ही भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि 2019 में 16 ठाकुर सांसद थे, 2014 में 21 ठाकुर समुदाय के लोग भाजपा से सांसद बने थे। भाजपा चुनाव दर चुनाव ठाकुरों का प्रतिनिधित्व कम करती चली आ रही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भाजपा ने हाल ही में टिकट वितरण में वीके सिंह का गाजियाबाद से टिकट काट दिया, और वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी टिकट पाने के लिए बराबर कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो सके। हाल ही में खतौली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ था, यहाँ भी ठाकुरों के पक्ष वे भाजपा के विरोध में नारेबाजी सुनी गई। इसके पीछे पूर्व विधायक संगीत सोम का भी नाम बताया गया था। मेरठ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने दोनों को समझाया भी है, बावजूद इसके ठाकुरों में भाजपा का विरोध कायम है। अब इस डैमेज कंट्रोल के लिए योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरधना इलाके में कल आ रहे हैं। उनके आने का क्या असर होगा यह वक्त ही बताएगा। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट वाइट डॉट। नमस्कार।